और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देखो लॉन्डो, आजकल जमाना ऐसा हो चुका है कि आजकल कोई भी ऐरा गहरा नत्थू गहरा बंदा भी शॉर्ट रेंज में हेडशॉट पेल के जा रहा है, इसलिए आजकल शॉर्ट रेंज में खेलना ज्यादा आसान नहीं रहा। सही बात। लेकिन अगर आप फुल मैप रैंक मैच ज्यादा खेलते हो तो आपको ये पता होगा कि भाई रैंक मैच के अंदर शॉर्ट रेंज से ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है लॉन्ग रेंज की। बात तो सही है। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी शॉर्ट रेंज पे हेडशॉट मारने पे ही ज्यादातर ध्यान देते हैं, लॉन्ग रेंज में हेडशॉट मारने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो इसलिए गाइस मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। इस वीडियो में आपको इनस्कोप हेडशॉट की सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से आपके हर एक बार लॉन्ग रेंज में बहुत ही कमाल के हेडशॉट लगेंगे, जैसा आपने बैकग्राउंड में गेम प्ले में देख ही लिया। और इस ट्रिक को जानने के बाद आप किसी भी चिमकांडी को लॉन्ग रेंज में बहुत ईजिली चटका सकते हो, चाहे आपके पास हो स्कार, AK, M4A1, M14 या फिर XM8। आप हर एक गन से बहुत ही बेहतरीन लेवल के इनस्कोप हेडशॉट मारने वाले हो। बस आपको इस वीडियो में बताए मेरे 5 पॉइंट्स को फॉलो करना है, उसके बाद आपका हर एक शॉट हेडशॉट लगने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आपको ट्रैको AK परमानेंट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, अभी के अभी आपको ट्रैको AK परमानेंट मिलेगी। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो चलिए अब अपने पॉइंट्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले हम यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद अपन मेन ट्रिक के ऊपर आएंगे। ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स अगर जैसे ही आप करोगे उसी के बाद आपके हेडशॉट का जो रेट है वो अपने आप इंक्रीज करें। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट होने वाला है वो है रेंज फैक्टर। देखो, हर एक स्कोप के लिए अपनी एक रेंज होती है। अगर आपको पता है तो यहाँ पे 4 अपने स्कोप्स हैं, अपने पास रेड डॉट है, अपने पास 2X है, अपने पास 4X है। तो ये तीनों ही स्कोप रहते हैं अपने पास और इनकी अलग अलग रेंज होती है। जैसे कि जो हमारा रेड डॉट है वो एक शॉर्ट रेंज वाला ही स्कोप है, अगर आप उसको लॉन्ग रेंज में यूज़ करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, आपका एम ज़्यादातर ऊपर की ओर चला जाएगा एंड आपका हेडशॉट नहीं लगेगा। उसी तरीके से जो हमारा 4X है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रेंज के लिए बना है, उसको अगर आप शॉर्ट रेंज में अगर यूज़ करने का ट्राई करोगे तो वहाँ पे वो एम को एकदम अटका लेगा, आपका एम लॉक हो जाएगा एंड आपका हेडशॉट नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास स्कोप है उसके हिसाब से अगर आपकी रेंज सही है तो यार आपको हेडशॉट मारने से कोई नहीं रोकने वाला। तो यार एक बार अपनी रेंज पे ज़रूर ध्यान। तो अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 के बारे में, जो कि है सेंसिविटीज़। देखो यार, आपको पता है स्कोप के अंदर भी सेंसिविटीज़ होती हैं, तो यहाँ पे गाइज मैं आपको हर एक स्कोप के हिसाब से बेस्ट सेंसिविटी बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपन रेड डॉट के बारे में बात करते हैं। देखो, रेड डॉट की जो सेंसिविटी, आप उसको 90 के अराउंड रख सकते हो, 80-90 के बीच में आप रेड डॉट को रख सकते हो, उससे बहुत अच्छी सेंसिविटी मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं 2X के बारे में। देखो, 2X की सेंसिविटी आप 100 ही रखो, बिकॉज अगर आप 2X की सेंसिविटी थोड़ी कम करोगे तो उसकी रेंज कम हो जाएगी। अगर आप 100 रखते हो उसकी सेंसिविटी तो आप उसको लॉन्ग रेंज में भी यूज़ कर पाओगे एंड शॉर्ट रेंज में भी। 2X बहुत खतरनाक हो जाता है 100 सेंसिविटी के साथ। उसके बाद बात करते हैं 4X के बारे में। 4X हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्कोप है एंड 4X की सेंसिविटी आप 70-80 के बीच में रख सकते हो, काफ़ी अच्छे हेडशॉट अगर आप इस सेंसिविटी को रखते हो तो काफ़ी अच्छे हेडशॉट यहाँ पे पड़ने वाले। तो ये तो हो गई अपनी सेंसिविटी के बारे में बात। अब बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 जो कि रहेगा यहाँ पे अटैचमेंट्स। तो देखो, जो भी आपकी इनस्कोप हेडशॉट का रेट है वो टोटली डिपेंड करता है आपकी गन की स्टेबिलिटी के ऊपर। अगर आपकी गन स्टेबल नहीं है तो आपके हेडशॉट भी कम पड़ेंगे, आपकी गोली ज़्यादा रिकॉइल कर जाएगी। तो अगर आपकी गन स्टेबल है तो आपकी गोलियाँ कम रिकॉइल करेंगी एंड आपके हेडशॉट के चांसेस भी यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपके अटैचमेंट्स। मान के चलिए आपके पास AK भी है, AK का रिकॉइल काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप उसमें 3 लेवल का 4K 3 लेवल का स्टोक लगा लोगे तो भाई उससे भी बहुत बेहतरीन हेडशॉट लगते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड में मैं AK से भी हेडशॉट मार पा रहा हूँ इनस्कोप, तो मतलब भाई आपको अटैचमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खासकर आपको 3 लेवल का 4 ग्रिप होना चाहिए एंड स्टोक होना चाहिए 3 लेवल का। ये दोनों अटैचमेंट अगर आपके पास है तो भाई आपको हेडशॉट मारने से कोई नहीं रोक पाएगा, आपका हेडशॉट परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए अब अपन इनस्कोप हेडशॉट की प्रॉपर ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको कैसे इनस्कोप हेडशॉट मारना है। सबसे पहले यहाँ पे अपन बात करेंगे स्कोप ओपन के बारे में। देखो, जब भी आपको इनस्कोप हेडशॉट किसी भी बंदे को मारना होता है तो आपको सबसे पहले अपना स्कोप ओपन करना होता है। आप यहाँ पे ये गलती करते हो कि आप बंदे पे पहले एम करने का ट्राई करते हो। देखो, आपको एम कभी भी नहीं करना, आपको सिंपली करना क्या है, जब भी आपको सामने कोई बंदा दिखता है जिसको आपको इनस्कोप हेडशॉट मारना है उस पर पहले आप नॉर्मल एम रेड कर लो, स्कोप को ओपन नहीं करना, उसके पहले ही आप नॉर्मल एम को रेड कर लो। उसके बाद जैसे ही आप स्कोप को ओपन करोगे अपने आप, मतलब ऑटोमेटिकली ये होता है डिफ़ॉल्ट, आपके डिफ़ॉल्ट एम की वजह से ऑटोमेटिकली ये होगा कि आपका जो एम है वो डायरेक्टली एनिमी के चेस्ट पे चला जाएगा।
इससे क्या होता है, चेस्ट से हेड का डिस्टेंस बहुत कम होता है, आप थोड़ा ही ट्रैक करोगे उतने में ही हेडशॉट लग जाएगा। तो पहली चीज़ आपको यही करनी है कि आपको एनिमी के ऊपर थोड़ा सा एम को रेड करना है, उसके बाद जैसे ही स्कोप ओपन करना है उसके बाद आपको ट्रैक करना है। ड्रैग में इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि आपको ड्रैग स्टाइल को ध्यान में रखना है। पहली बात, जब भी बंदा स्ट्रेट खड़ा होगा तो आपको स्ट्रेट ड्रैग का ट्राई करना है, एंड जब भी बंदा रनिंग कर रहा होगा तो आपको रनिंग करते हुए उसी डायरेक्शन में ड्रैग करना है। यहाँ पे मैं आपको छोटे मोटे एग्जांपल से यहाँ पे समझाने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पे बंदा एकदम सीधा खड़ा हुआ है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा, तो मैंने स्ट्रेट ड्रैग का यूज़ किया और यहाँ पे बहुत ही ईजिली यहाँ पे उस बंदे को हेडशॉट लग गया। अब मैं दूसरी क्लिप दिखाता हूँ, यहाँ पे बंदा रनिंग कर रहा है, देख सकते हो किस तरीके से बंदा राइट की ओर भाग रहा है, तो मैंने राइट की ओर ही स्ट्रेट ट्रैक कर दिया थोड़ा सा घुमाते हुए, जिसकी वजह से उसको भाई रनिंग के अंदर बहुत ही कमाल का लेवल का हेडशॉट पड़ा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि एनिमी किस पोजीशन में है एंड उसी पोजीशन के हिसाब से हेडशॉट मारना है। एंड जो हमारी ट्रिक की लास्ट चीज़ है वो है भाई ट्रैक की स्पीड। आप जितनी स्पीड से ट्रैक करोगे भाई उतने ज़्यादा हेडशॉट पड़ेंगे, लेकिन इतना भी नहीं करना कि आप इतनी स्पीड से ट्रैक कर दो, इतनी ऊपर तक कर दो कि भाई एनिमी के सर के ऊपर से गोली निकल जाए, तो ऐसा भी नहीं करना। आपको पहले ये चीज़ देखनी है कि एनिमी कितनी रेंज में है, रेंज के हिसाब से देखना है। अगर एनिमी ज़्यादा दूर है तो आपको थोड़ा सा ट्रैक करना है, एनिमी अगर थोड़ा पास है तो आपको ज़्यादा ट्रैक करना है। इसकी वजह से आपका एक बहुत ही कमाल का यहाँ पे हेडशॉट लगेगा। मैं आपको आप फुल प्रूफ एग्जांपल दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे किस तरीके से हेडशॉट मारा। तो देख सकते हो मेरे पास 4x स्कोप था एंड एनिमी मेरे से थोड़ा दूर रेंज में था। मैंने क्या किया, जस्ट यहाँ पे सबसे पहले एनिमी के ऊपर रेड करा इनको, उसके बाद अपना स्कोप खोला। स्कोप खोलने के बाद यहाँ पे बंदा स्टिल खड़ा हुआ था, इसलिए मैंने स्ट्रेट ट्रैक का ट्राई किया एंड ऊपर तक अपने एम को यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से खींच दिया। जैसे मैंने खींचा उस बंदे को बहुत ही कमाल का यहाँ पे हेडशॉट लग गया। तो यार इसी तरीके की टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके आप अमेजिंग वाले हेडशॉट मार सकते हो। होप सो कि आप इस वीडियो से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी, अगर मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को अपने वीडियो को शेयर कर देना। तो इसलिए के साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।